फंसाने का जुगाड़ बनाया गया है, बहुत ही अलग तरीका का है। और इसको कितने देर से आप लोग फंसा के रखे? 2 घंटे। ये देखिए, ये देखिए, देखिए किस तरीका से फंसाया गया। दोस्तों, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से खगड़िया डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं और यहाँ के लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि हमें सेवा करने का मौका दिए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उनसे मिलाते हैं जिसने यहाँ कॉल करके बुलाया है। चलो हटो, सब हटो, साइड हो, साइड हो, वही वही राहुल, राहुल फोन आती है क्या? डिस्टेंस वीडियो पहले शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम सोनी कुमार राहुल हुआ। ये कौन सा जगह है? ग्राम इंग्लिश बनी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है सर? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, है ना? महसकूट। महसकूट ना, तो इसको पकड़े कैसे थे सर? दिखाइए किस तरीका से ये फंसाने का जुगाड़ बनाया गया है, बहुत ही अलग तरीका का है। और इसको कितने देर से आप लोग फंसा के रखे? 2 घंटे। पीछे ठीक है, पीछे ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, देखिए किस तरीका से फंसाया गया। खोलिए, खोलिए ना, खोलिए, खोलिए ना। दोस्तों दोस्तों ये जो फंसाने का तरीका देख रहे थे कितना सबसे बिल्कुल अलग है। और ये काफी बिग साइज का ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जिसमें जिसका के वेनम काफी खतरनाक वेनम होता है। जैसे ही मौसम में परिवर्तन आती है ना, तभी क्या है धूप सेकने के लिए बाहर निकल जाते हैं और तभी क्या है लोगों की नजरें इस पे पड़ जाती है। हमारे गांव कस्बे में जो कि सांप पाया जाता है ना, तो यही इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ही ज्यादातर पाए जाते हैं, क्योंकि मट्टी वाले मकान और खपड़े वाले मकान में क्या चूहा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, वहीं पे भी ये रहना पसंद करते हैं। कभी भी अगर किसी व्यक्ति को सर्पदंश हो जाए ना, तो जितना जल्दी जल्दी हो सके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाने का प्रयास कीजिए। झाड़ फूक ओझा गुनी के चक्कर पर रहिएगा तो जान चला जाएगा, क्योंकि जहर का काम होता है जान लेना। आप देख सकते हैं ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। इसका जो खाओ का दाग देख रहे आप लोग ना, यही है इसका पहचान। ये जो देख रहे हैं हुडमार, आप लोग इसको कौन से नाम से जानते हैं? अदसर के नाम से जानते हैं ना। तो दोस्तों खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में लोग इसे अदसर के नाम से जानते हैं और हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में इसे लोग नाग बोलते हैं, गोहमन बोलते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हर तरह के नाम से लोग इसे जानते हैं। लकड़ी का ढेर हो गया, गोईठा का ढेर हो गया, काफी टाइम से अगर आप लोग जमा किए हुए हैं ना, तो थोड़ा उसको हिला डुला के सफाई कीजिएगा, है ना। डायरेक्टली हाथ नहीं लगाइएगा, नहीं तो ये तुरंत क्या फट से काट लेगा। इसके मुंह के अगर आगे हाथ देंगे तो हमको भी काट लेगा ये। दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को थोड़ा दूर तक शेयर कीजिए अपने फैमिली परिवार के बीच। तो दोस्तों इसी सब बातों के साथ हम इसे पैक कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो देखते कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये खतरनाक जीव है, काट लेगा, टाइम पे उपचार नहीं मिलेगी तो जान चला जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। दोस्तों इस कोबरा का रेस्क्यू खगड़िया जिला से हुआ है, इंग्लिश बन्नी गांव से। और वहां पे क्या एक शख्स ने इस कोबरा को किसी भी तरीका से रस्सी से फंसा लिया था, तो हम ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बाय चांस अगर ये काट लेगा तो जान चला जाएगा। दोस्तों ऐसी गलतियां ना करें। ये देखिए, काफी लार्ज साइज का ये कोबरा स्नेक है। ठंड के मौसम में सांप सुस्त होता है और इसी का फायदा क्या है, ग्रामीण लोग अक्सर उठा लेते हैं। तो कोई भी स्नेक हो आप लोग कृपया करके दूरी बना के रहें, क्योंकि दोस्तों जिंदगी एक बार मिलती है। सुरक्षित स्थान से रिलीज करेंगे। तो
ये पत्थर के पास क्या है, अब देखिए तो परफेक्ट धूप भी मिल रही है और हम चाहेंगे आप इसी पत्थर के नीचे छिप जाइए। दोस्तों ये बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ पे धूप सेकने का भी मन करेगा तो यहाँ से बाहर निकल के धूप सेक सकता है क्योंकि ठंड का मौसम है। तो उम्मीद करते हैं दोबारा फिर से हमें मौका मिलेगा उस गांव से, तो चलिए चलते हैं।